Hello students, welcome to our channel Saga Group of Education. Today we are going to start chapter number 1 of English, the best Christmas present in the world, and standard 8. Here it begins. Here, the writer Michel went to a junk shop in Bridport. He wanted to buy a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. He had wanted one, but they were far too expensive. So our writer Michel is telling this story to us. He is telling that he went to a junk shop to buy some roll top desk. When he went there, the junk shop holder told him that he had one, magar wo bahut zyada expensive tha, kyunki wo oak tree se bana hua, bahut pure wooden bana hua tha. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. When Michel has seen different roll top desk, he came to a proper roll top desk which was made of oak. जब उसके बारे में पूछा गया तो ये बोला कि दैट रोल टॉप डेस्क वॉज मेडअप ऑफ अ प्योर ओक ट्री, मगर वो बहुत ही क्लमजी सिचुएशन में था, बहुत ही ख़राब था, उसकी एक जो लेग था वो टूटा हुआ था एंड स्क्रैचेस लगे हुए थे, तो शायद वो रोल टॉप डेस्क उनको सस्ते में मिल जाता. एंड देन ही थॉट कि अगर ये मैं परचेस कर लेता हूँ, मैं घर जाके और उसको अच्छे से रिस्टोर कर दूंगा, वापस नए जैसा बना दूंगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. नाउ ही वॉन्टेड द डेस्क, उनको वो डेस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लेना. हाँ, वो टूटा फूटा सा तो शायद उसको बनाने में एक रिस्क ज़रूर था, बट देन ही थॉट कि आई हैव टू परचेस इट. देन आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. वो ख़रीद के मिशेल लेके आए उसको अपने घर पे, घर के पीछे एक जो वर्क रूम था जहाँ पे वो सब सामान इकट्ठा करते और बनाते थे, वहीं पे रिस्टोर करने के लिए वो अपना रोल टॉप डेस्क भी लेके आए. देन ही बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. एक क्रिसमस की शाम, ईव मतलब इवनिंग, तो क्रिसमस की शाम को उन्होंने बैठ के वहाँ पर वो काम करना, वो डेस्क था जो, उसको रिस्टोर करना, उसको ठीक करना शुरू कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. वो जो डेस्क था, ठीक है, उसके हर एक drawers को निकाल के उसको completely पहले अलग कर दिया गया. उन्होंने सोचा कि पहले हर एक उसका पार्ट अलग करके, हर एक पार्ट को अच्छे से बना के एंड देन मैं वापस ज्वाइन करके एक नए जैसा डेस्क बना दूँगा. The veneer had lifted almost everywhere. ठीक है, हर जगह पे veneer, a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. ठीक है, तो वो जो चिप, एकदम सस्ता वाला जो वुडन होता है ना, उसके ऊपर जो एक डेकोरेशन किया जाता है उसको अच्छा दिखाने के लिए, तो बस ऐसा ही कुछ डेकोरेशन इस पर भी किया गया था. वो पूरा उन्होंने निकाला, उसको साफ़ किया. लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. जब वो खोल रहे थे तब उनको फील हुआ कि ये जो है वो कुछ वाटर से शायद डैमेज हुआ था जो डेस्क था वो. बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं आग लग गई हो और वहाँ पे ये डेस्क हो, और वो आग लगने के बाद वो डेस्क के पानी गया हो, तो इस बस ऐसा ही कुछ एकदम पानी और फायर की वजह से ख़राब हुआ हुआ ये डेस्क था जो उनको ठीक करना था. द लास्ट ड्रोवर वो स्टक फास्ट. जब वो हर एक ड्रोवर्स को निकाल रहे थे उसमें से जो लास्ट वाला ड्रोवर था वो अंदर चिपका हुआ था. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. द रोल टॉप डेस्क मतलब एक जो टेबल जैसा होता है जिसके अंदर हम जो स्टडी टेबल बोल सकते हैं, जिसमें अलग अलग ड्रोवर्स होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ वॉज देयर. आई ट्राइड. उन्होंने जो लास्ट वाला ड्रोवर नहीं खुल रहा था, उन्होंने बहुत ट्राई किया, पहले प्यार से जेंटली और फिर एक फोर्स लगा के उन्होंने ट्राई किया, मगर नहीं खुल रहा था. आई स्टक इट शार्पली विद द साइड of my first and the drawer flew. और फिर उन्होंने ज़ोर से जब उसको खोलने का ट्राई किया, वो खुल गया.
खुलने के बाद उन्होंने देखा कि उस ड्रोवर के अंदर एक सीक्रेट ड्रोवर था। जब वो ड्रोवर खोला गया, उसके अंदर जो सीक्रेट ड्रोवर था उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे सड़ा सा, पानी से जला हुआ सा, फायर से, ये इसके अंदर क्या हो सकता है। देयर वॉज समथिंग देयर, बट ही फाउंड कि कुछ अंदर दिखा उनको, ही फाउंड समथिंग देयर। I reached in and took out a small black tin box, shallow tapped to the top off. It was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, "Jim's last letter received January 25, 1915." जो वो ड्रोवर उन्होंने खोला, उसके अंदर का जो सीक्रेट ड्रोवर उन्होंने खोला, उसमें कुछ एक छोटा सा चीज़ पड़ा हुआ था जिसमें एक सेलो टेप लगी हुई थी और उसके ऊपर एक पेपर था। वो पेपर जब उन्होंने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि ये एक लेटर है जो जिम का, किसी एक जिम करके किसी एक इंसान ने वो लेटर लिखा है जो January 25, 1915 को किसी ने रिसीव किया है। टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. अब वैसे तो किसी का लेटर खोल के पढ़ना नहीं चाहिए, मगर राइटर वॉज क्यूरियस, जो हमारे मिशेल है ना, वो क्यूरियस हो गए थे कि ये क्या हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, ही हैज़ ओपन दैट लेटर। Inside the box there was an envelope. अब वो बॉक्स जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि ये जिम का लेटर है, जिम का लास्ट लेटर 25th January 1915 को रिसीव किया गया है, जब वो खोला गया तो उसके अंदर था एड्रेस। द एड्रेस में था मिसिस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बिचेस, ब्रेडपॉट, डोरसेट। आई टुक आउट लेटर एंड अनफोल्डेड इट, ठीक है, एक एड्रेस लिखा गया था उसके ऊपर, और वो किसके लिए था, जिम ने अपनी वाइफ के लिए वो लेटर लिखा था, मिसेस जिम के लिए वो लेटर था और एड्रेस था। आई टुक आउट लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। वो लेटर जिम ने अपनी वाइफ को लिखा था December 26, 1914 को, जो उसकी वाइफ को मिला था January 25, 1915 को।